संकट के समय जो कोई झुकता है वहाँ दुख में नहीं पड़ता। इसीलिए तुम मन लगाकर रामचंद्र जी इस देवताओं के स्वामी संसार के ईश्वर सूर्यदेव जी की पूजा करो, इस आदित्य हरे स्रोत का पाठ करो, भावना करके पूजा करो। हे महाशक्तिशाली, तुम जप करके इसी क्षण रावण का वध करने में सामर्थ्य हो सकोगे। ऐसा कहकर जिस स्वामी आज हर व्यक्ति गांव से परेशान रहता है, सभी दिखाई देने वाले तारे तारामंडल के शक्तिशाली नक्षत्र गांव में स्वामी संसार में रचने वाले अत्यंत तेजस्वी नारी शक्ति पर जिस तरह के अपराध समाज में घटे, डॉक्टर की आराधना, टाइम मिले, समय लगे, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ देने वाले भगवान वासुदेव के राम जी ने स्वयं इसकी आराधना करी है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब रावण की नगर पंचायत परिषद खातेगांव के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष को रखा गया। कोरोना संकट और चुनाव की आचार संहिता होने के कारण बहुत संक्षिप्त रूप से इस बार रावण दहन का कार्यक्रम किया गया है, लेकिन हमें इस विजयादशमी के पर्व पर यही संदेश इस बार लेना चाहिए। कोरोना से पूरा विश्व इस समय पीड़ित है, लेकिन भारत में लोगों ने अपने संयम का परिचय देते हुए शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत हद तक इस बीमारी से अपने आप को बचाए हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राम के चरणों में, जिस तरह आपने रावण अन्याय और अधर्म के प्रतीक का संहार किया था, उसी तरह ये जनता की संगठित शक्ति एक दिन इस पूरे विश्व से कोरोना की महामारी को भी समाप्त करेगी। कोरोना रूपी राक्षस से बहुत जल्दी ये धरती मुक्त हो पाएगी। समस्त क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को मेरी ओर से विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई के विजय दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाने वाले इस विजय उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नगर परिषद की जो परिपाटी है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर दशहरा उत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। कोरोना काल के कारण मंची कार्यक्रम इस वर्ष नहीं किया गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंस और बहुत सारी जो है विपत्तियाँ नगर परिषद के साथ थी, किंतु जनता के भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम और रंगारंग आतिशबाजी का जो कार्यक्रम हुआ है वह निश्चित ही बहुत अच्छा था। और नगर परिषद की जो अनुकरणीय पहल रही उसका मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ, और साथ ही समस्त खातेगांव क्षेत्र के नागरिकों को दशहरा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने मन की बुराइयों को मार करके अपने अच्छाइयों पर जीत हासिल करें, जिस प्रकार से भगवान राम ने रावण को मार करके बुराई का अंत करा था, आप भी अपने मन की बुराई को मार करके अपनी अच्छाइयों को समाज में प्रचलित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः आप सभी को दशहरा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय दशहरा का पवन पर्व पर सभी नगरवासी खातेगांव को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।